For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. अंकल, हम आपा की बेटी से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? हम 6,000। अच्छा, 5,000 तो हम अपनी लड़की को खर्चा देते हैं महीने का। वही तो जोड़ के बता रहे हैं। क्या, भागे यहाँ से? एक दफा निकल गया मैं जंगल में, ठीक है, मेरे सामने आ गया शेर। अच्छा, मैंने शेर को देखा, वाह वाह, शेर ने मुझे देखा, आहा। मैंने हाथ ऊपर किया, अच्छा, शेर ने पंजा ऊपर किया, आहा। शेर ने जैसी जंप लगाई, फिर मैंने टीवी बंद कर दिया। ये बच्चा आपका है? हाँ। आपके सगे पति का बच्चा है क्या? जस्ट किडिंग। ये बच्चा कितना क्यूट है, ये बच्चा तो बिल्कुल आप पे। हाँ जी, मुझ पे घंटा गया है, पक्का अपने बाप पे गया होगा। बोलो, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हुँ? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। इधर देखिए, अच्छा मैं, मेरा ये सरकार से अनुरोध है, ऐसे मुंह वालों के पायदान बनने चाहिए। आदमी गुस्से में 3-4 बार पैर साफ करके चला जाए। बेटे मैं कह रहा हूँ, हेलो, कहाँ पर हो? अरे जानू, वो तुम्हें याद है ना, मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पर तुम्हें एक नेकलेस पसंद आया था और मैंने तुम्हें लेके नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ जानू, याद है ना। बस उसी शॉप के बगल वाले शॉप से ना अपने लिए अंडरगार्मेंट्स खरीदा। मोहब्बत के नशे में हम उसे खुदा समझ बैठे, मोहब्बत के नशे में हम उसे खुदा समझ बैठे, होश तब आया जब उसने कहा खुदा किसी एक का नहीं होता। बहन जी, पिंकी आपकी ही बेटी है ना? हाँ, तो आपको पता है आपकी बेटी कॉलेज जाने के बहाने कहाँ जाती है? कहीं भी जाए, मेरे को क्या? लेकिन वो तो आपकी बेटी है, तो फिर तेरे को क्या? ध्यान से देखिए इस आदमी को, मंदिर मस्जिद के बाहर से चप्पल चुराने वाला इंसान, चप्पल चोर दरिंदा। अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया, बस यही है माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई चार छह लौंडों के साथ गई। गुड इवनिंग सर, एयरटेल में आपका स्वागत है। यार हमारे पैसे कट रहे हैं मोबाइल से, जबकि हमने इतनी बात की नहीं है। अच्छा सर, आपका प्लान क्या है? प्लान फिलहाल तो बुआ के घर हूँ, शाम को दारू पीऊंगा बैठ के। बेबी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, बट मेरी माँ नहीं मानेगी। अच्छा, तो फिर मैं डेटोल से नहाऊंगा। बेबी क्यों? क्योंकि माँ माने से डेटोल का धुला। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे चिड़े जैसे बाल रखे और आप दीपिका पादुकोण का नाम ले रहे हैं पागल से। HMMM क्या है? HMMM वो सोचने वाला था ना, वो HMMM। मैनू पहली सैलरी मिली, मेरे घर दे खुश। सिस्टर कहती कि मैं शॉपिंग करनी, मैं कहा ठीक है। भरा कहना मैंने बुलेट ला दे। मम्मी कहती मेरे वास्ते नूह ले आई। मैं कहा यार तनख्वाह मिलने लगी, बैंक नहीं लूट। मैं ना नया फोन लेके आई हूँ, अपने पति को डराती हूँ, ठीक है? एक मिनट। हेलो, कैसे हो डार्लिंग? अरे जानू बाद में फोन करना, अभी वो चुड़ैल दूसरे कमरे में बैठी है। किप? हाँ जी बहन जी। एक पारिवारिक सवाल पूछूं? हाँ जी, रहा नहीं जा रहा तो पूछ लो। तुम लोग कितने भाई बहन हो? हाँ जी, हम तो 5-6 भाई हैं और 8 बहनें हैं। ओह माय गॉड, तुमसे बड़ी दुकान तो तुम्हारे पापा लगा कर बैठे हैं। पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अभी सुना है कुछ 100 करोड़ है। नहीं, 125 करोड़। अच्छा, और हर सेकंड 500-700 बच्चे पैदा होते रहते हैं। हाँ जी, लेकिन समझ नहीं आता कि होते कैसे जा रहे हैं। हर कोई थोड़ी ना तुम्हारी तरह सिर्फ दुकान पे 500 का नोट कहीं गुम हो गया। बस इतनी छोटी सी बात, ये लो 500 रुपए। हाँ जी, हम तो आपको ऐसी फालतू में बेकार समझते थे, आप तो बहुत अच्छी निकली। इसका खुला दे दो, दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हें 500 का नोट मिल जाएगा और मेरा नुकसान भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।